हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। तो यार, चैनल बने हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन। तो यार, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम देखेंगे पाक मीडिया एंड फिजा खान रोस्ट। अच्छा। दोनों एक साथ। तो अब ये वीडियो देख ही पता लगेगा कि मतलब क्या सीन है पाकिस्तानी मीडिया और फिजा खान पे। तो रोस्ट आता ही है वही ना, और अब इन दोनों का मिलकर कैसा हुआ है ये तो वीडियो देख ही पता लगेगा। तो रिंजो वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। कौन करते हैं 3-2-1 एंड स्टार्ट। वैसे अभी तक तुम यहाँ पर आए गए हो तो देख ही लो क्या बना। अच्छा, देख लेते क्या भारत जंग के लिए तैयार है? क्या भारत एक एटमी जंग का मुतहम्मिल हो सकता है? क्या भारत इस जंग के बाद अपना नामो निशान दुनिया के नक्शे पर तलाश कर सकेगा? तो बहुत हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? मोदी जी, हाँ मोदी जी के पास भी तो है। ऐसे नहीं चलेगा। मगर क्यों? बल्कि अगर पाकिस्तान ने एटमी हथियार चला दिया तो भारत में कहीं पे घास नहीं उगेगी, ना मंदिरों में घंटियां बजेंगी। हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? सही बोला है। बात के बाद करते इंडिया के बाद जैसे कुछ है ही नहीं हो। ऐसे नहीं चलेगा। डॉक्टर फिजा खलीफा जी, पाकिस्तान हमेशा भारत से महफूज रहा है, बस भारत ही पाकिस्तान से कभी महफूज नहीं रहा। किसी अच्छे बंदे पर इस वायरस ने अटैक नहीं किया होगा, और अगर सिर्फ जालिम के लिए होगा तो फिर सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी पे कोरोना को अटैक करना चाहिए था। इस मोहतरमा के आरोप देख के नहीं लग रहा कि हमारे माननीय मोदी जी इसकी बुआ लेके भाग गए हो? मतलब ये इतना गुस्सा जता रही है जैसे पर्सनली अटैक किया है मोदी ने इसकी फैमिली पे। मोदी को मैंने बहुत ज्यादा बैश किया खुल के, और मैंने कहा ये जालिम है, इसको रीट्वीट किया जाए। सुबह उठ के मैंने देखा तो मेरा ट्विटर अकाउंट ही सस्पेंड हो चुका था। और साथ ही नरेंद्र मोदी की अकाउंट उड़ा दिया अगले ने। इज्जत देता है मोदी सरकार। हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी मोहतरमा के बारे में जिसको अपने मुल्क से ज्यादा हमारे देश की परवाह है। oh, no. उसको अपने देश के बारे में नहीं जाना। हमारे माननीय मोदी जी और हमारे हिंदुस्तान भाई पैसा इसको तब मिलता है जाननी होती है बोलेगा। उसको पाकिस्तान की पड़ी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में होता ही क्या है कि अब हम लोगों की जो आवाज़ है जो कश्मीर के साथ मिलती है, हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं। अब उस आवाज़ को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है, और यकीनी तौर पे मैं कहूँगी बुजदिल हैं ये लोग जो कोशिश कर रहे हैं। अब मेरा ट्विटर अकाउंट है जी, चल रहा था काफ़ी अरसे से, कल मैंने कश्मीर के हवाले से बहुत खुल के बात की। मोदी को मैंने बहुत ज़्यादा बैश किया खुल के, और मैंने कहा ये जालिम है, इसको रीट्वीट किया जाए। सुबह उठ के मैंने देखा तो मेरा ट्विटर अकाउंट ही सस्पेंड हो चुका था। क्या क्या बोला? सुबह उठ के मैंने देखा तो मेरा ट्विटर अकाउंट ही सस्पेंड हो चुका था। आपने सबसे पहले तो अरे भाई वही ना, वो नहीं पसंद ना ट्विटर पे, जाहिर सी बात है करता है। यार ऐसी बातें इनको अच्छी नहीं लगती। हां ना, मीडिया पैसे लेते हैं और बोलते हैं पैसे लेके। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अब इससे ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं? जो भारतीय बार बार कहते हैं अरे हम इसको रिपोर्ट करेंगे, हम रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट कर करके किसी के अकाउंट्स खत्म करवा करवा के ये क्या कर लेंगे? अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? नहीं, हमारी आवाज बंद कर देंगे। बीबीसी उन्होंने कहा कि क्या वो खतरा नहीं है, तो मेरे ख्याल से फिर बीबीसी से ज्यादा खतरा जुनेद साहब उन्हें पाकिस्तानी एंकरों से, पाकिस्तानी तज़िया निगारों से है। अच्छी लंड मेरा, इनके मुंह बंद कर दिए जाए, यानी हमारी जो आवाज है वो वहां तक इतना असर रखती है। डॉक्टर साहब, मैं मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा, अभी ये बोले असर नहीं रखती। पाकिस्तानी उसने खुद ही बोल दिया भाई नहीं असर रखती भाई। ये नहीं सुनता कोई भी तुम्हारी मतलब बात। छिपकली को क्या परेशानी है हमारे देश से? और हमारे वजीरे आजम ही बोलते हो ना तुम पीएम को, तो हमारे वजीरे आजम से तुम्हें परेशानी क्या है भाई? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर फिजा अकबर खान, और मैं हूँ पाकिस्तान। नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर फिजा अकबर खान, और मैं हूँ
वो बात आपको बताने जा रही हूँ जिसका सबको मैं सब्र से इंतजार है। मेरे घर से तमाम लोग मुंतजर हैं कि आखिर रंग गोरा करने के लिए हम क्या करें अदर देन क्रीम। आज हम बात करेंगे कैंसर के हवाले से। कैंसर एक ऐसा मूजी मर्ज है जिसका नाम सुनते ही हर बंदा घबरा जाता है। एक घर में चीज आपको वाफर मकदार में मिलती है जिसको कहा जाता है लहसुन, इंग्लिश में कहते हैं गार्लिक। पका हुआ लहसुन और अदरक 20% रिजल्ट देगा, जबकि आप रॉ फॉर्म में खाएंगे कच्चा खाएंगे तो 100% देगा। सी द डिफरेंस, ऑलमोस्ट 80%। तो अब आपने करना है कि जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं जो नहीं भी हैं वो कैंसर से बचने के लिए इसको एज अ वैक्सीन यूज करें ताकि उनको कैंसर हो ही ना। डॉक्टर पाकिस्तानी इस वीडियो को क्यों ना देखें तो भाई आप देख लीजिए, यहाँ क्यों ना देखें, क्योंकि हम आज चर्चा करने वाले हैं इसकी। ये हमने वीडियो नहीं देखा था। मैच करता आप देख रहे हैं, इफ यू डोंट बिलीव देन गो ऑन गूगल। मैं तेरा खून पी जाऊंगी। आपको समझ में आ गया भाई, बुरा नहीं मानिएगा। म्यूजिक भाई ये भी करते हैं वो भी करते हैं, फिर ये तो है यार। किसी चीज में पहले नंबर दूसरे नंबर पे हो गया किसी चीज में नहीं हो ना। हाँ तुम नीचे से है ना, जो पासपोर्ट है ना वो सिर्फ घटिया है, एक नंबर का घटिया पासपोर्ट है तुम्हारा, उसमें तुम दूसरे नंबर पे हो वो भी घटियापन में। इसी तरह से कमजोर और बदतर पासपोर्ट में शुमार किया जाएगा। जो सिटिंग वजीर आजम थे उनके कपड़े उतरवा दिए गए अमेरिका में, ये तो हमारी इज्जत है। उतरवाए देना, दुनिया के अंदर कीमती नेशनलिटी है जो आप रंगिया पूरी दे सकते। कोई ठूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। आपने जब दुनिया में एहसान कर रहे हैं आप रोहिंग्या मुसलमानों को, ठीक है ना, तो तुम घटिया चीजों में ही सही। अगला तप गया था भाई। तुम आतंकवाद में फर्स्ट नंबर पे रह सकते हो बस, उसके अलावा तुम किसी चीज में नहीं हो। और तुम लोग करते हो बराबरी हमसे, है मतलब हमारे पीएम, हमारा देश, हमारा ये, इनसे भी निकलो। इंडिया से बराबरी नहीं है। हाँ हम लोग इंडिया से बराबरी नहीं कर सकते। सुबह की नमाज से पहले पहले दिल्ली पर पाकिस्तान का झंडा लहरा देंगे इंशाल्लाह। तो सुबह की नमाज से पहले दिल्ली पर पाकिस्तान का झंडा लहरा देंगे इंशाल्लाह। ये सब तुम्हारे ही पाले हुए कल्चर है, इसलिए आतंकवाद तुम्हारे यहाँ से ही जन्मा है। और जो चीज में तुम फर्स्ट हो सिर्फ आतंकवाद है, वो फिर हटता नहीं है ना, यही तो मसला है लगा हुआ है आतंकवाद का। तुम तुम्हारी करेंसी संभाल लो, तुम्हारी करेंसी हमारे से 2.5 गुना नीचे है। तुम करेंसी बराबरी नहीं कर सकते, तुम हमारे पीएम और हमारे देश से क्या बराबरी करोगे। बीजेपी का मीडिया जो कि हर वक्त बीजेपी के बारे में गलत चीजें बताता रहता है कि बहुत अच्छा है बीजेपी की, हर किसी के ऊपर है, हम डाउन है। इस टाइम पर नरेंद्र मोदी से ज्यादा बुरा हुक्मरान पूरे रोहिंग जमीन पर नहीं होगा। हाँ इंडियन से जाके पूछो ना। अपने मुल्क की इकोनॉमी के लिए नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा तोहफा साबित हुआ, बहुत बड़ा हीरा साबित हुआ। आपको याद होगा ओबामा साहब जब थे सदर अमेरिका के, सुपर पावर के, अमेरिका नहीं कहूंगी सुपर पावर जिसकी मुट्ठी में तमाम लोग बंद हैं सर, उस अमेरिका के सदर ने जाके दौरा किया और कितने वायदे तय कर कराया, आई थिंक 68 या 67 वायदे, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं चले। यहाँ पे बात खत्म करते हैं। इतने वायदे एक सुपर पावर का सदर जाके इंडिया में तय करके आया, किस चीज ने अट्रैक्ट किया, किस चीज ने उनको खींचा वहां पे? नरेंद्र मोदी की इकोनॉमी से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड पॉलिसीज ने। मतलब क्या करना चाहते हो तुम लोग? तुम्हारे देश में देखो मर रहे भूख से, पानी नहीं है भैंसों तुम्हारे यहाँ, और तुम बात कर रहे हो हमारे पीएम की। बिल्कुल, तो यार इसी के साथ हुई ये वीडियो ख़त्म। अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो यार अब ये ऐसी अब बातें घटिया करती है इसकी, हर वीडियो जो हम देखते हैं कोई नई नई बात करते हैं भाई, मतलब कि क्या इंडिया एटमी एटम वाली एटम बम वाली जंग लड़ सकता है? क्या एटम बम वाली जंग के बाद इंडिया बचेगा? क्यों है उनके मतलब पास घटिया बजेंगी नहीं बजेंगी? ये रिलीजन को बीच में लाना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि भाई इंडिया ने कोई गलत है ना इंडिया के साथ, ये चीज है अपनी भाई ने इंडिया ने कोई फोड़ने के लिए, पटाखे फोड़ने के लिए तो नहीं रखा हुआ ना भाई। हम पे अगर एक एटम बम गिरा पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। इंडिया तो फिर इतना बड़ा है कि भाई एटम बम भाई बुरी चीज है बहुत। मैं एक बात कर रहा हूँ ना, ये जिस तरह कहते हैं कि हमने एटम बम वहाँ पे फेंक देना है, इंडिया रहेगा नहीं। इंडिया कोई इतना सा देश नहीं है कि उस पे एक एटम बम, उस पे बड़े एटम बम गिराने पड़ेंगे। बहुत है हमारे मुल्क में, हम लोग छोटा सा देश, हमारे लिए एक दो एटम बम बहुत है। तो ऐसी बातें मत किया करो, अगर हम ये जंग होती है तो इंडिया को नुकसान होगा, लेकिन इंडिया खत्म नहीं होगा, उल्टा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। ये एंकर मैंकर जो है ना पैसों की खातिर सब कुछ करते हैं, नवरते फैला रहे होते हैं। मोदी जी का बुरा भला कहते हैं, मोदी जी की कदर इंडिया वाले से पूछो कि इंडिया वाले क्या कहते हैं। वो एक एंकर वो जैसे कहती है कि हम से मतलब वो जलते हमारे मीडिया से, ये वो साथ बैठा वो तजिया कार कहता है भाई उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है उन्हें? कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता। ये मोदी जी हैं जिन्होंने बैठ जो ट्रंप को खींच के ओबामा को ना जी ट्रंप को
ट्रंप को खींच के वो तो आए थे ना इंडिया में दौरे पे आए थे। ये होती है सियासतदान, ये होता है मुल्क का पीएम प्रेसिडेंट। हमारे मुल्क में कोई आया है? कोई भी नहीं आया। खींच के लायो बताओ एक दफा, मतलब कोई भी सऊदी अरेबिया का जो आया वो आया, वो क्या फायदा उसका आने का? ट्रंप को कुछ फायदा नजर या मोदी जी को आया, ट्रंप इधर खींचा हुआ आया। ये मोदी जी से भारतकारी है, बिल्कुल कामयाबी है तो उनके है ना। और हमारे मीडिया वाले पता नहीं क्या चमन चूती है, पता नहीं क्या लगे रहते हैं। हमारे पास कोई वजीर भी नहीं आता को हमारे मुल्क का, और वही ना ऊपर हमारा फिर माशाल्लाह से मीडिया मीडिया फैजा अकबर खान ये ऐसे कर देंगे। ये बताऊं ये पापा बताऊं क्या, शो शुरू करने से पहले ना सस्ती चरस थोड़ी फूंक लेते हैं फिर उसके बाद बातें करते हैं। आप ये सोचें फैजा अकबर कि हमारे मुल्क में क्या तरक्की हो रही है, लोगों को बताओ कि आज क्या प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, क्या क्या नहीं होंगे, हमारे मुल्क ने आगे कैसे बढ़ना है। ये लोगों को ये चीज क्यों नहीं बताते, क्योंकि पता है ना कि भाई फिर वो लग जाएंगे इधर उधर। ऐसे चाहिए इनको इंडिया की लाल बत्ती के पीछे लगा दो, इंडिया की ये होता है तो हम इंडिया से ताकतवर है। बस लोगों को मीडिया को बस यही आता है, लोगों को रात को खुश करो और ताकि वह चैन की नींद सो जाए। इधर ये सीन है यार, आप लोग बताएं आपके क्या थॉट हैं। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, बाय।